इंजीनियरी वर्ब्स, ये नंबर फोर है। इसे कहते हैं सहायक क्रियाएं। ये सहायक क्रियाएं जो होती हैं ये दो तरह की होती हैं। फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलियरी, और सेकेंड मॉडल ऑक्सिलियरी। प्रिय विद्यार्थियों, प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है और मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है? प्राइमरी ऑक्सिलरी मुख्य रूप से तीन तरह की होती है। एक होती है बी से बनने वाली, दूसरी होती है डू से बनने वाली, और तीसरी होती है हैव से बनने वाली। आप इसे ध्यान से समझिए। ये जो बी से बनने वाली सहायक क्रियाएं हैं ये आठ तरह की होती हैं। इट्स, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन। ये देखें आप, बी से बनने वाली आठ तरह की क्रियाएं हो गई। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन। और डू से बनने वाली जो सहायक क्रियाएं हैं वो तीन होती हैं, डू, डज और डिड। हैव से बनने वाली जो क्रियाएं हैं, सहायक क्रियाएं हैं, वो तीन हैं, हैज, हैव और हैड। इन्हें आप टेंस चार्ट मैंने बनाया है, आप टेंस चार्ट की वीडियो जरूर देखें। टेंस चार्ट में आप देखेंगे तो ये सब टेंस में प्रयोग होने वाली सहायक क्रियाएं हैं जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में जितनी सहायक क्रियाएं प्रयोग होती हैं सब प्राइमरी ऑक्सिलरी कही जाती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी में सबसे पहले आप देखेंगे इज, एम, आर का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। वाज या वर का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। बी का प्रयोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बी लगता है। बीइंग का प्रयोग पैसिव वॉइस में प्रयोग होता है, और बीन का प्रयोग भी आप टेंस में देखेंगे तो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है और पैसिव वॉइस में भी होता है। डू का प्रयोग देखें, डू और डज सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगती है, और डिड सहायक क्रिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगती है। हैव के साथ बनने वाली जो क्रियाएं हैज, हैव, हैड, तो हैज और हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगती है, और हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगने वाली सहायक क्रिया। इस प्रकार ये तीनों सहायक क्रियाएं आप पूरा का पूरा टेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में लगने वाली जितनी सहायक क्रियाएं होती हैं वो सब प्राइमरी ऑक्सिलरीज की होती हैं, फ्यूचर टेंस को छोड़कर, क्योंकि फ्यूचर टेंस में विल या शैल जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग होने वाली क्रिया है। इसी तरह आपने देखा ये सहायक क्रियाएं जो है पूरा टेंस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का बना देती हैं। यहां ध्यान देना है कि ऑक्सिलरी सहायक क्रियाएं हमेशा अपने मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होती हैं। मुख्य क्रियाएं जो होती हैं वो टेंस के अनुसार हमेशा बदलती रहती हैं। टेंस चार्ट की वीडियो आप जरूर देखें और उसे समझने का प्रयास करें तो आपको पता चलेगा कि सहायक क्रियाएं जो होती हैं वो किसी न किसी मेन वर्ब के साथ आती हैं, और टेंस के अनुसार सहायक क्रियाएं और मुख्य क्रियाएं हमेशा बदलती रहती हैं। इस प्रकार से प्राइमरी ऑक्सिलरीज की ये क्रियाएं हैं, इन्हें आप समझें और ध्यान में रखें। नेक्स्ट आइए देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी की जो क्रियाएं हैं इन्हें आप ऑक्सिलरीज कह लीजिए, क्योंकि इनकी संख्या अधिक है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज और इसे आप कह लीजिए मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज की श्रृंखला एक लंबी श्रृंखला है। फिलहाल मैं यहाँ आपको चार्ट दे देता हूँ, उसका यूज, मॉडल ऑक्सिलरी के यूज का एक अलग वीडियो में आपको सेपरेट बनाकर अपलोड करूंगा। फिलहाल आप इनको पहचानने के लिए मॉडल ऑक्सिलरीज को जानना जरूरी है। तो मॉडल की जो सहायक क्रियाएं हैं वो वृत्ति बताती हैं, इनका स्पेशल यूज होता है।
इनको आप किसी टेंस में लेकर नहीं चल सकते, बल्कि आप इनको स्पेशल यूज में लेकर चलेंगे। तो मॉडल की क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आप लिखेंगे कैन, कैन का पास्ट टेंस बनता है होगा कुड, फिर होगा मे का पास्ट टेंस बनता है माइट, फिर आप लिखेंगे विल, विल का पास्ट टेंस बनता है वुड। इसी तरह फिर लिखेंगे आप सैल, सैल का पास्ट टेंस बनता है शुड, शुड के बाद बनता है ऑट टू, ऑट टू, मस्ट, यूज्ड टू, डेयर, नीड। अब इसी में हैज, हैव से भी बनने वाली मॉडल्स हो जाती हैं। मॉडल ऑक्सिलरी की सबसे बड़ी पहचान है इसके साथ प्रयोग होने वाली सहायक क्रिया, प्रयोग होने वाली जो मुख्य क्रियाएं होती हैं वो हमेशा इन्फिनिटिव के रूप में होती हैं। तो नीड के बाद अब आप ले लीजिए हैव को, तो हैज, हैव से बनने वाला हैज टू, हैव टू, हैड टू। फ्यूचर टेंस में ले जाइए इसको तो हो जाएगा विल हैव टू, शैल हैव टू। इसी तरह आप बी से भी बना सकते, बनने वाली क्रियाओं को देख लीजिए मॉडल में। जब ये इंफिनिटिव के साथ प्रयोग होती है तो इनको हम मॉडल्स में देखते हैं। तो ये बन जाता है इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू। इसके साथ कुछ मॉडल्स बनते हैं जो शुड के साथ हैव लगाने से बनते हैं, शुड हैव या मस्ट हैव इत्यादि के रूप में आ जाते हैं। यहां तक आप देखेंगे कि ये तो मुख्य मॉडल्स हैं नीड तक। उसके बाद ये जितनी मॉडल्स बनती हैं हैज टू, हैड टू, हैड टू, विल हैड टू, शैल हैड टू, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, ये जो सहायक क्रियाएं इधर मॉडल की क्रियाओं को मैंने बनाया है ये स्पेशल यूजेस में आती हैं और ये मॉडल ऑक्सिलरी प्राइमरी से ही बनी है। इसे मॉडल ऑक्सिलरी में इसलिए रख दिया क्योंकि ये मॉडल्स की क्रियाओं के साथ हमेशा इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। इन्फिनिटिव यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है और आप देखेंगे तो इनमें सब के साथ टू लगा है और इसके साथ वर्ब फर्स्ट का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करने से ये मॉडल ऑक्सिलरीज में प्रयोग कर दी जाएंगी। इस तरह से आपने देखा कि मॉडल की ये सहायक क्रियाएँ हैं और ये मॉडल्स की सहायक क्रियाओं का अलग अलग यूज है, ये अलग अलग वृत्ति और मोड बताती हैं, इसलिए इनको अलग अलग समझना अति आवश्यक है।